अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा लेक्चर है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। क्या हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर रूट मालूम करना है डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए से, तो कैसे मालूम करेंगे? तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास ये एक रकम है ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी, तो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है कि x इज इक्वल टू माइनस बी जमा माइनस बी की 2 माइनस 4 ए सी बटा 2 है, जबकि ये वो ए बी सी x जो है वो x रियल नंबर से ताल्लुक रखता है जबकि एक्स रुकन है कम्प्लेक्स नंबर का भी। तो यहाँ पर देखें कि ये बी की 2 माइनस 4 ए सी जो अंडर रूट के अंदर है ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, बी की 2 माइनस 4 ए सी। अब पहला जोज 2 एक्स की 2 माइनस 7 एक्स जमा 1 इज इक्वल टू 0 के, तो a इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर है? जब 2 के बराबर b हमारे पास माइनस 7 के बराबर और c इज इक्वल टू 1 के बराबर है। तो हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? d इज इक्वल टू 4 41। तो माइनस बी जमा माइनस डी अंडर रूट बटा 2, तो डी की कीमत ऑलरेडी हमें दी गई है 41 है, तो हम हमने इसके ज़रिए से इस कीमत को दर्ज कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा b जो है वो माइनस 7 के बराबर है, तो यहाँ दर्ज कर दिया माइनस 7, तो जमा 7 जमा माइनस ख़त्म हो गई, तो 7 जमा माइनस 41 की जजर बटा 2। अब इस चीज़ को देखें कि ये डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा है, तो ये नॉन परफेक्ट है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, जबकि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर मुरब्बा भी नहीं है और ये 0 से बड़ा भी है। तो x जो है वो इस चीज़ किस चीज़ से तलक रखेगा? q नॉट से तलक रखेगा, जो एक यूनिक अनइक्वल है। अब इसका दूसरा जो हल करते हैं, a हम 2x स्क्वायर माइनस 2x जमा 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें a किस चीज़ के बराबर है? 2 के, b हमारे पास है माइनस 1 के माइनस 2 के और c हमारे पास है 1 के बराबर है। अब वही फार्मूला जो हमने यहाँ पर पहले जुज में इस्तेमाल किया उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो d उसने हमें दिया हुआ है माइनस 4 के, जो 0 से छोटा है।
अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, माइनस बी जमा माइनस ए डी अंडर रूट। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, वो तमाम वैल्यू दर्ज कर देनी है, डी की वैल्यू भी, बी की वैल्यू और ए की वैल्यू। जब ये तमाम दर्ज हो जाएंगी तो ये हमारे पास इस शक्ल में आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 2 जमा माइनस माइनस 4 अंडर रूट बटा 2। अब ये जो माइनस 4 अंडर रूट है ये आयोटा 2 के बराबर आ जाएगा, तो इसका ये जो दूसरा हिस्सा है वो इमेजिनरी हिस्सा होगा, ये रियल हिस्सा है, जबकि ये वाला हिस्सा जो है इसका कॉम्प्लेक्स है। जब भी आयोटा फॉर्म में आ जाए तो इसका जवाब हमेशा इसकी नेचर जो है वो कॉम्प्लेक्स में आ जाती है, यानी कि ये इमेजिनरी हिस्से की वजह से, आयोटा की वजह से, अंडर रूट में जो -4 है या माइनस आ जाए तो ये इमेजिनरी शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो डैट इज़ ये कंजुगेट अब इसी सवाल का अगला जो हल करते हैं, तीसरा जुज, एक्स की 2 माइनस 2 एक्स जमा 1 इज इक्वल टू 0। तो ए इज इक्वल टू 1 के बराबर है, जबकि बी हमारे पास माइनस 2 के बराबर है, सी हमारे पास 1 के बराबर है, तो डी इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर है, हमारे पास 0 के बराबर है। अब इसकी नेचर चेक करते हैं कि इसमें कौन सी नेचर इसकी निकलती है। तो एक्स 2 डायरेक्ट फार्मूले में कीमतें दर्ज कर दें, 0/2 आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 0 का जब जजर लिया जाता है तो वो 0 के बराबर आता है, तो ये बन जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1 के बराबर। अब यहाँ देखें तो ये एक क्यू सेट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ज़ीरो है, डी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के बराबर है, तो ये एक रियल नंबर बन जाएगा। तो ये इस वाल हिस्से में जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो वो एक्स की कीमत एक सही आदत की शक्ल में आएगी और जो इसका पार्ट होगा वो रियल होगा। इसका ताल्लुक किस चीज़ से होगा, क्यू से होगा। अब इसका चौथा जो हल करते हैं, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 6 जमा 5 इज इक्वल टू 0 के बराबर हो। अब यहाँ चेक करते हैं कि यहाँ पर कौन सा इसकी नेचर निकलती है, तो आइए देखते हैं। जबकि सी किस चीज़ के बराबर है, हमारे पास 5 के बराबर है, डी उसने हमें दिया है 16 के बराबर, जबकि 16 जो है वो कि बड़ा है 0 से। और यहाँ एक और बात भी है कि ये जो 16 है ये एक कंप्लीट स्क्वायर भी है। अब इसको आगे हल करते हैं, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। जब ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगी तो इसके रूट्स की जो नेचर है वो कुछ इस तरह बन जाएगी, एक्स माइनस बी जमा माइनस यहाँ पर डी की कीमत आ जाएगी बटा 2 ए आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, बी की कीमत दर्ज कर दें माइनस 6 तो जमा 6 हो जाएगी, तो ये यहाँ पर 16 अंडर रूट आ जाएगा बटा 2 ए। तो 2 की ए की कीमत कितनी थी, 1। अब एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 6 जमा माइनस 4/2, तो एक्स इज इक्वल टू 6 में से 4 गए
दो बच गए, तो 2/2 कट गया, यानी कि ये एक रियल नंबर भी है और इसका ताल्लुक जो है वो क्यू क्यू सेट से भी है। डैट इज़ यूनिक, अनइक्वल होगा।